वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। सो इसे हम लिख सकते हैं 2² to the power 2x इज इक्वल टू 1/32 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 5। और यहाँ पे आपको पता है कि ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 to the power 4x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 2 to the power -5। अब आप देख रहे हो कि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होगा, देयरफॉर 4x इज इक्वल टू हो जाएगा -5 एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा -5/4। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू।